हाँ नमस्कार, जय हिंद, बंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। लगातार लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से भी पहुंच रही होगी। 1 जनवरी से लागू होगा 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा, और लिखा है कि 30,420 मूल वेतन 1 जनवरी से लागू होगा 8वें वेतन आयोग का। देख सकते हैं, कहा गया है कि 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा 30,420 मूल वेतन वाले शिक्षकों का मूल वेतन, आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे, मूल वेतन वाले शिक्षकों का मूल वेतन देख सकते हैं कि 30,000 से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 82,985 रुपये हो जाएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 30 से 82 आप देख सकते हैं कितना अधिक अंतर है, दुगना से भी ज़्यादा का देख सकते हैं यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है कि भाई जल्द से जल्द बड़ी खुशखबरी जो है हमारे भाइयों को जो है वो मिलने वाली है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वेतन वृद्धि को लेके। तो कहीं से ना कहीं दोगुनी सैलरी होने जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। आगे लिखा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हफ्ते में यानी माह सितंबर के वेतन भुगतान की राशि हेतु फाइल कल से परसों तक वित्त विभाग में स्वीकृत एवं विमुक्त के लिए चला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में यानी माह सितंबर के वेतन भुगतान की राशि हेतु फाइल जो है कल से परसों तक वित्त विभाग में स्वीकृत एवं विमुक्त के लिए चला जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि वित्त विभाग से देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि आप लोगों को जैसा पता है कि वित्त विभाग से ये बात कही जा रही है कि भाई जो आपका सितंबर माह का वेतन भुगतान की राशि है उसकी फाइल जो है वो कहीं ना कहीं विभाग तक पहुंच रही है, और कहा जा रहा है कि वही राशि जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि वित्त विभाग से आपको लगता है कि इस विभाग से राशि स्वीकृत होकर निकलेगी, फाइल निकल कर परियोजना में जाती है, इसके बाद परियोजना से राशि सभी जिलों को प्राप्त होती है। तो यह मानकर चलें कि 26 से 30 सितंबर के बीच कभी भी राशि सभी जिलों को जो है वो प्राप्त हो सकती है। तो कहा जा रहा है कि 26 से 30 सितंबर के बीच जो है कभी भी जो राशि है सभी जिलों को जो है वो प्राप्त हो सकती है। वहीं मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया कि 8वें वेतन जो है 8वां वेतन कमीशन जो है वो लागू होने जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो सैलरी है वो दोगुने से भी ज़्यादा होने जा रही है। तो बहुत अच्छी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगले महीने अक्टूबर से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का ट्रांसफर सब एक साथ होगा शुरू। आवेदन के लिए मिलेगा 15 दिनों का समय। रेंडमाइजेशन के जरिए अब ट्रांसफर पोस्टिंग की संभावना कम, रजनीश सर ने कहा है। और जिले के डीएम डीडीसी डीओ को मिलेगा जिम्मा, जिले से ही होगी अब शिक्षकों की पोस्टिंग। शिक्षा विभाग मुख्यालय करेगा मॉनिटरिंग, आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं कि ट्रांसफर सब एक साथ होगा शुरू, ट्रांसफर पोस्टिंग, आवेदन के लिए मिलेगा 15 दिनों का समय। ये भी एक अच्छी खबर आ रही है। तो अच्छी खबर है, अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर अगले महीने दिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। आवेदन के लिए किसी को नहीं होगी मनाही। पति पत्नी दिव्यांग महिला गंभीर रूप से बीमार को मिलेगा पहले लाभ। क्षमता पास और बीपीएससी दोनों के लिए देख सकते हैं नवंबर तक पूर्ण करने का है बनाया गया लक्ष्य। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव के अचानक स्कूल जाने पर अफरा तफरी जो है वो मची है। कहीं ना कहीं आप सभी को ज्ञात है कि अपर मुख्य सचिव जो है विद्यालय जाकर निरीक्षण करते हैं, तो अचानक उनके पहुँचने से विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल भी जो है वो पैदा हुआ है। देख सकते हैं लिखा कि प्रखंड के माधर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का निरीक्षण गुरुवार को अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने किया। अपर मुख्य सचिव अपनी गाड़ी एवं सुरक्षा कर्मी आदि के से विद्यालय से करीब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि 200 मीटर दूर देख सकते हैं विद्यालय पहुँचे, और विद्यालय पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे निरीक्षण किया है, तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया है, कैसी व्यवस्था चल रही है। और शिक्षिका रंजना भारती विशेष अवकाश पर थी, जिसे ई शिक्षा ऐप से सत्यापन किया, जिसमें सत्य पाया गया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति को 100% करने का भी सख्त निर्देश जो है वो दिया है।
दूसरी खबर आ रही है कि माह के अंत तक निकलेगा TRE 3 का रिजल्ट। माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 का रिजल्ट निकलेगा। 23 सितंबर तक BPSC ने तांती जाति के TRE 3 अभ्यर्थियों को अपना आरक्षण श्रेणी अनुसूचित जाति की बजाय अत्यंत पिछड़ा वर्ग में दर्ज कराने के लिए समय दिया है। सूत्रों की माने तो अब तक सामान्य प्रशासन विभाग से उसे आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ TRE 3 की रिक्तियां मिल जाएंगी। इसके बाद उसके अनुरूप वह रिजल्ट तैयार करने का काम जो है वो शुरू करेगा, क्योंकि BPSC ने वह मार्कशीट के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, पूरा अपडेट आपको देंगे यहाँ पे। वह मार्कशीट के की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है, प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है और आपत्ति लेने के बाद 23 तक अंतिम आदर्श उत्तर भी तैयार हो जाएगा। लिहाजा उसके बाद BPSC को उसी प्रक्रिया के अनुरूप रिजल्ट तैयार करना होगा। महीने के अंत तक जो है वो रिजल्ट तैयार कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी और अच्छी खबर जो है वो सामने उभर के आ रही है TRE 3 को लेकर, TRE 3 अभ्यर्थियों को लेकर। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। वहीं TRE 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि कल यानी 1/25 का आंसर की कल शाम तक जारी होगा। रजनीश कुमार का कहना है 16 सितंबर तक 6 to 8 का फाइनल आंसर की भी जारी होगा। ये भी एक अच्छी खबर आ रही है। 22 सितंबर तक 9 से 10 और 11 से 12 का फाइनल आंसर की भी जारी होगा। और एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि 22 सितंबर तक 9 से 10 और 11 से 12 का फाइनल आंसर की होगा जारी। पहले ही बता चुका हूँ, इसी महीने दिग्गज रजनी सर ने कहा था कि इसी महीने के आखिरी सप्ताह में जारी होगा TRE 3 का रिजल्ट। अब तक रोस्टर क्लियरेंस की सूची आयोग को जो है नहीं प्राप्त हुई है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने उभर के आ रही है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।